जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में जो HSC की तरफ से कलर्क की वैकेंसी आई थी 4,858 से रिलेटेड, आखिरकार उसका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है। 21, 22 और 23 सितंबर को उसका एग्ज़ाम होना है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कलर्क भर्ती से संबंधित जो एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस क्या होगा, किस आधार पर एग्ज़ाम होगा, किस पैटर्न के आधार पर जो है एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आप कलर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। आपके दोस्त, रिश्तेदार या भाई बंधु ने अगर कलर्क एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी शुरू कर दी है तो उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिएगा। सबसे पहले हम बता दें कि इस कलर्क के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। हरियाणा में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम है वो सॉफ्ट होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। सबसे पहले हम बता दें कि हरियाणा में दो तरीके से एग्ज़ाम को बांटा गया है। सबसे पहले हम बता दें कि टोटल जो है 90 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा और 90 मिनट आपको प्रदान की जाएगी, यानी 90 मिनट में 90 नंबर आपको कवर करने होंगे, जिसमें 75% मार्क्स आपको जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पार्ट वन में 75% मार्क, यानी 75% जो है क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी में से आपको प्राप्त होंगे 75% मार्क्स। इसको अलग अलग हम कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज भी बताएंगे। पहले इसको आप कवरअप कीजिएगा कि इन सभी में से 75% जो है क्वेश्चन जो है जर्नल साइंस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी में से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र में। और सबसे बड़ी बात, 25% प्रश्न जो है हरियाणा से संबंधित पूछे जाएंगे। हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के करंट अफेयर, हरियाणा का पर्यावरण या ETC हरियाणा से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे 25%, जो कि काफ़ी है। ध्यान रखिएगा, OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 90 जो है मिनट आपको प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं मैथ, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक बनते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं? नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर, अल्जेब्रिसन, एवरेज, अल्जेब्रा, SI एंड CI, परसेंट, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टिग्नोमेट्री, लाइन, लाइनर, सर्कल, रेगुलर, पोलियोगो, स्टैंडर्ड, आइडेंटिटीज, ETC। ये मैथ से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से। और फिर बारी आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर करीब 8 से 10 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें बेसिक एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, बेसिक कंप्यूटर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सी, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अबाउट लैन वैन, इंटरनेट, कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न जो है ये टॉपिक बन रहे हैं। फिर बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि एनालॉजी, एरिथमेटिक, कोडिंग एंड डिसकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कन्क्लूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, वर्ल्ड रिलेशंस, वर्बल एंड फिगर्स, क्लासिक, विजुअल मेमोरी, ETC, ये रीजनिंग से संबंधित जो है टॉपिक बनते हैं। साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस महत्वपूर्ण है, साइंस हम कह सकते हैं कि 25% आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, 25 से 30% साइंस के। तो साइंस हरियाणा जी के और इंडियन हिस्ट्री अच्छे से रीड कीजिएगा, इन तीनों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, हरियाणा जी के, साइंस और इंडियन जी के। इंग्लिश की बात करेंगे, नाउन, वर्ब, टेंस, प्रपोजिशन, रीडिंग कंप्रिहेंसिव आप देख सकते हैं, फिलर्स, ईरर्स, वन वर्ड, सब्स। तो आप इस तरह अपना जो है एग्ज़ाम पैटर्न बना सकते हैं, किस तरह आप तैयारी करेंगे, किस तरह आप जो है टाइम टेबल बनाएंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में संधि, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, हिंदी व्याकरण, समास, संधि और पर्यायवाची शब्द, इस तरह ये हिंदी के टॉपिक बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड
जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑफ अदर स्टेट एंड हरियाणा कल्चरल ऑफ हेरिटेज ऑफ इन हरियाणा इंडियन कंसेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इकोनॉमिक्स सोशल इवेंट्स ऑफ हरियाणा करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल ETC। तो ये थे जो है कलर्क भर्ती से संबंधित टॉपिक आपको बताए। 25% जो है प्रश्न हरियाणा GK से संबंधित पूछे जाएंगे। 75% इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर साइंस मैथ रीजनिंग से संबंधित पूछे जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। हरियाणा में जब एग्ज़ाम होता है तो न तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती है और टाइम भी 90 मिनट का मिलता है और ठीक समय पर आप अपने सेंटर में पूछिएगा। आपको अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड या अन्य कोई ID लेकर आपको जाना होगा। पैन भी आपको हरियाणा में सेंटर से ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा इसी YouTube चैनल पर। इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।